एक गुरुजी ऐसे विलक्षण, उनके दो चेला बड़े मक्का दोनों। अब गुरुजी बैठे तखत पर, आसन लगा तो ऐसे भगवान सामने, शालिग्राम जी पूजा कर रहे थे। अब और तो सब सामग्री आ गई, तुलसी जी नहीं। तो एक शिष्य से उनका, बेटा बगीचे से तुलसी जी उतार लाओ। तो क्या बोला? बोले गुरु जी मैं जानते ही नहीं हूं कैसा होता है तुलसी दल, नहीं तो हम जरूर ले आते, आपकी आज्ञा को मना करने की तो बात ही नहीं। मैं हम तुलसी दल ले आते, पर हम जानते ही नहीं, आज तक नहीं देखा, आपने कभी बताया नहीं। गुरु जी बोले अच्छा तो तुम तुलसी दल नहीं जानते ना। तो दूसरा चेला खड़ा था, वो उससे ज्यादा चालाक था, उसने सोचा कि इसने तो मना कर दिया कि मैं जानते ही नहीं, अब हमको ही जाना पड़ेगा। सो वो अपने गुरु भाई से बोला, क्यों तुम तुलसी नहीं जानते? तो बोला हम नहीं जानते। अरे बोले वही तो होते हैं जो केले की तरह चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, जिसके बहुत इतने बड़े बड़े पत्ते होते, वही तो है। गुरु जी बोले तो इसका मतलब तुम भी नहीं जानते। गुरु जी हम तो वही चौड़े पत्ते जानते, कहो तो ले आए। गुरु जी ने कहा नहीं वो तुलसी जी नहीं होती, तब तो सरकार आपको ही कष्ट करना पड़ेगा, हम लोग तो कोई। और गुरु जी ने कहा कि हम आसन पर बैठ गए हैं, हम उठ नहीं सकते, और तुलसी जी के बिना भगवान की पूजा हो नहीं सकती, और तुम लोग तुलसी जी जानते नहीं हो। दोनों बोले हाँ, तो एक काम करो, क्या तुलसी जी को तो नहीं जानते, ला नहीं सकते, तखत तो उठा सकते हो, उठाओ तखत, ले चलो बगीचे। अब दोनों सोचेंगे इससे तुलसी जी ले आते तो ठीक था, उठाना पड़ा तखत। अब हाँ आपते करते किसी तरह बगीचे में तुलसी जी, हाँ यही रखो। गुरु जी ने बैठे बैठे तुलसी जी था, फिर वहीं ले चल। वहां पहुंचने पर गुरु जी ने पूछा कि बेटा तुलसी जी भूलोगे तो नहीं? कान पकड़ के बोले एक जन्म की कौन कहे, सात जन्म तक नहीं भूलेंगे। सेवा हो तो ऐसी जैसे राम जी कर रहे हैं,